हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज का जो वीडियो है वो आपके पास टाइम पर पहुँच जाएगा। मतलब कि बहुत दिन से ना वीडियो है, कभी किसी टाइम जाता है, कभी किसी टाइम जाता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पर डालूँ, लेकिन टाइम पर नहीं हो पा रहा। लेकिन आज वाला वीडियो आपके पास टाइम पर ही आएगा, इसलिए मैं एडिट कर रही हूँ अभी इसको। तो जी, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और आप लोग भी चलो मार्केट हमारे साथ में। सब्जी वगैरह लेके आते हैं, किराने का सामान लेके आते हैं। और मेरे देखो चंपू बाल, देखो। तो जी, आज आप मेरे पीछे स्कूटी पर बैठना पसंद करेंगे? नो। हैं? बैठ जाओगा? तो पुराने मुंडो करके क्यों कर रहे हो? पुराने मुंडो करके कह दो ना, कह दो कि हाँ बैठ जाऊंगा मैं, तू चला मैं बैठूंगा। बैठ जाओ, चलो। तो जी, चाप भी मिल गई हाँ ने। तो जी, यहाँ पर बस निकल लिए हैं फटाफट से, और मैंने कहा था चाबी मेरे को दे दो, लेकिन चाबी लेने के बाद में मैंने वापस इनको रिटर्न कर दी। मुझे मार्केट में चलाना अभी नहीं आता। मैं मेरी जान तो चलो जोखिम में डाल दूँ, लेकिन बाकी लोगों की तो बख्शनी चाहिए ना। बाकी लोगों की जान ज़्यादा सुरक्षित रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या पता मैं कहाँ पर किसके ऊपर ठोक दूँ, कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ पर चूड़ों को देख करके मन थोड़ा ललचा गया था, तो मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी। वैसे मैंने ख़रीदे नहीं, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरे काम की नहीं है, मतलब कि मैं पहनती नहीं हूँ, लेती ज़रूर हूँ, तो फिर मैंने ली नहीं। तो जी, घर पर आने के बाद में हम लोग मिल रहे हैं, और मैंने टोपा लगा लिया, सर्दी बहुत हो रही थी। वैसे मैं लगा के गई थी शायद, तक न लगा के नहीं गई, ये शॉल ओढ़ के गई थी, मेरे को याद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ आपको एक बार। कई दिन हो गए अपना मेरे घर में क्या क्या लगता है, क्या क्या लेके आते हैं वो दिखाए। तो चलो, अरे राम रे, कैमरो ही सेट ना हो रही। एक तो ले गए आधा किलो तो लहसुन, ठीक है, और सेंधा नमक का दो पैकेट आधा किलो का, ज्यादा सामान नहीं लेके आए, मतलब अभी के लिए इतना ही काफी था, इतने में काम चल जाएगा कई दिन तक, तो इतना ही लेके आए हैं। ये धूप देव दर्शन की, ठीक है, और यो देखो चाट मसालो बड़ो दे दियो, सांबर मसालो छोटो दे दियो। वाह भाई, खतरनाक आदमी है, एक नंबर का। चाट मसाला बड़ा है, सांबर मसाला छोटा है, बल्कि ये बड़ा चाहिए था, ये छोटा चाहिए। रण को भी रास्ता ही है बता। जो वापिस रिटर्न करना पड़ेगा, लागे विम बार तो खत्म होने वाली ही थी, पहुंच गए टाइम पे तो ले आया यार। जीरा खत्म हो रखा था मेरा, एक उड़ा दी की दाल, और ये दाल, बस ये इतना से सामान लेके आना था मेरे पास। इतने से सामान के कारण शर्मा जी के नाक में दम कर रखा था मैंने, है ना। तो जी, आपने अभी देख लिया सामान, तो मैं क्या लेकर के आई हूँ, बस इनको अब अरेंज करना है। पहले नमक डाल देती हूँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मेरे घर में सेंधा नमक ही यूज़ हो रहा है पिछले कई महीनों से, तो आप लोग भी यूज़ करना, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, कहते हैं सब लोग, मैंने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, तब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर बस सेंधा नमक लेकर आई थी, और दो चार चीज़ें थी जिनके कारण ना, बस ये है कि ज़्यादा घर में यूज होती हैं और फिर नहीं हो, जब परेशान हो जाते हैं। और मेरे साथ में क्या है कि जब मैं घर जो है ना, मैं हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चलाती हूँ जिस अकॉर्डिंग मेरी इनकम होती है। मतलब कि हर एक लेडीज़ में मेरे ख्याल से ये गुण होता ही है कि खर्चा दे उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से अपनी इनकम फ़िलहाल चल रही है। तो मेरे को लगता है कि मुझे अभी पैसे सेव करने हैं, मुझे ऊपर किचन भी बनाना है, इसलिए एक एक रुपया बचाना अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे बचाती हूँ आगे वीडियो में मैं बताऊँगी। तो जी, सब्जी में लेके आई थी मैं ये 2 किलो मटर, 50 के 2 किलो दे रहे थे। हाँ, इसमें थोड़े बहुत पके हुए ज़रूर हैं, लेकिन ये है ना, छील के रख दूँगी, सब्जी में पुलाव में काम आ जाएंगे, ठीक है। और ये हरा धनिया, ये भी मेरे को साफ करके रखना है।
और ये सारे बर्तन साफ करने हैं अभी। और 3 किलो आलू, 1 किलो गाजर, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी, तो ये चीज और लेके आए थे। अब फिलहाल मेरे को ये मटर छीलने हैं 2 किलो, नहीं तो इनके छिलके गल जाएंगे। तो इनको छील के ना रख दूंगी तो ये काम आते रहेंगे। जैसे मन किया वैसे ही डाल लिया, जिस भी चीज में डालने का मन किया उसमें डाल दिया, ठीक है। तो पहले इनको छील लेते हैं, फिर देखते हैं नाइट में खाने में क्या बनाना है। तो चलो फिर लग जाते हैं अपने काम पे, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैं 1-1 रुपया कैसे बचाती हूँ। देखिए, मेरे घर में सब्जी पिछले 4 दिन से ख़त्म थी, लेकिन क्या था कि यहाँ से अगर मैं लेकर आती तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, वही सब्ज़ी डबल रेट में पड़ती है। तो मैं यहाँ से 1 दिन लेकर आई थी, बच्चों को स्कूल जाना था क्योंकि एमरजेंसी है, अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो भूखे थोड़ी ना रहेंगे। तो उस दिन लेकर आई थी, बाकी घर पर थे उस दिन। मैंने बस प्याज के, आलू के, आलू घर में पड़े थे तो आलू की सब्जी 1 दिन बना दी थी, 1 दिन आलू के पराठे बना दिए, 1 दिन प्याज के पराठे बना दिए, कि 1 दिन प्याज में तड़का लगा के सब्जी बना ली। इस तरीके से ना मैंने सब्जी का जो पैसा था वो भी बचाया। और एक्स्ट्रा जैसे कि अब मैं मार्केट गई थी, बाकी चीज़ें मैंने भी देखी थी, जो भी जैसे कुछ कुछ खरीदने का मन तो करता है, लेकिन मैंने कंट्रोल रखा अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम लेडीज़ जो होती है ना वो सामान को देख करके बहुत सारी, जैसे वो चूड़ों की दुकान थी, मेरे पास चूड़े हैं तो फिर मैंने नहीं लिए, इयर रिंग्स हैं मेरे पास हैं क्योंकि मैं पहले वाली नहीं पहनती हूँ तो मैंने नहीं लिए। और बहुत सारी लेडीज होती हैं जो छोटी छोटी इन चीज़ों को देख करके ना, मतलब मेरी फैमिली में भी हैं जो अगर पसंद आ दिया तो ले लेती हैं, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया। तो अगर हमारे पास यूँ देखना है कि हमें कुछ पैसे अभी बचाने हैं, आने वाले समय में 2 महीने बाद मेरे यहाँ पे किस्त आ रही है, मतलब 2 महीने भी क्या, मई में किस्त आएगी, अप्रैल में बच्चों के एडमिशन होंगे, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोटा खर्चा करवा के जाएंगी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर अभी से अगर सेविंग करना शुरू करूँगी ना, तब जा कर के मुझे दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम पर अचानक से जब खर्चा आता है ना, तब परेशानी नहीं होती है, हम सेव करके रखते हैं। तो और मेरे साथ ये शुरू से ही रहा है, जब से मतलब मेरी शादी हुई है तब से ही मैं हमेशा थोड़े थोड़े, जब आने वाले समय में कोई खर्चा होता है तो मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देती हूँ। तो अभी से बच्चों के एडमिशन के लिए मैंने सेविंग करनी शुरू कर दी है, ताकि मैं एडमिशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए, मंथली बजट जो है वो ना गड़बड़ाए। और उसके लिए हर एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है, कपड़े पर भी, खाने पर भी, हर एक चीज़ पर। खाना दो, अच्छा दो, मतलब जिसमें कि बच्चों की हेल्थ ठीक रहे, प्रोटीन हों, विटामिन हों, दूध आ रहा है, गाजर आ गई है सलाद के लिए, इस टाइप की चीज़ों पे इन्वेस्ट करने में दिल दुखता नहीं है, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने में मेरा तो मन दुखता है भाई। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। और दोपहर के बज गए 12, आज के 12 बज गए, अब चलते हैं नीचे, ठीक है। आज के 12 बजने के बाद में, और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं रोटी सेकने आई हूँ नीचे, बाकी सारा काम हो गया। और आज हम उठे थे सही 9 बजे, मतलब 9 बज चुके थे जब तक बंदी सो रही थी, और फिर सोचा चलो उठते हैं, अब 9 बज गए, अब तो उठना ही चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आज का दिन तो उठे बिना ही चला जाएगा, सोए सोए, ठीक है। तो फिर उठ के फटाफट फटाफट अपना काम समेटा, और क्या करते बताओ, काम समेट के अब मैं रोटियां सेकने के लिए नीचे आई हूँ, क्योंकि धूप आज खतरनाक वाली धूप है, एकदम बढ़िया वाली। देखो मैं स्वेटर भी नहीं पहनी, कल तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इतने कपड़े पहन रखे थे, और आज बिल्कुल धूप है जोर से, तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी। तो चलो पहले मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि आज के 12 बज गए, ठीक है। ये देखो मैं गाँव से लेके आई थी, इसका मुझे कुछ बनाना है, अभी तक नहीं बनाया है, तो देखते हैं आज बनता है क्या ये। तो मैं तो आपको बस यही कहूँगी कि अगर आने वाले समय में कोई मोटा खर्चा है तो ज़रूरी नहीं है हस्बैंड की टेंशन है, वो हमारी भी टेंशन है, मोटा खर्चा है, बच्चों के एडमिशन होंगे, बहुत सारा खर्चा होएगा एडमिशन के टाइम पे, बुक्स का होता है, ड्रेस का होता है, ड्रेस ये वाली छोटी हो जाती है, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी है, मतलब बड़ी तो लानी पड़ेगी बच्चों की थोड़ी थोड़ी, तो और वैसे भी बहुत खर्चे होते हैं। तो अभी से पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं मैंने। आप लोगों को भी एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना हो सके खर्चों पर कंट्रोल करके अगर हम पैसे सेव करते हैं अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सेविंग नहीं है, मेरे पास पहले से भी सेविंग है, लेकिन फिर भी मैं और पैसे सेव करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि क्या पता किस समय पर क्या ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ कौन सी परेशानी आ जाए, लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहती हूँ, मतलब वो होता है ना कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज़ और कहती हूँ कि मैंने आज तक
मैंने आज तक किसी से भी 1 रुपया तक उधार नहीं लिया है। मेरी लाइफ में मैंने कभी आज तक 1 रुपया किसी से उधार नहीं लिया है, क्योंकि मुझसे उधार लिया हुआ पैसा जो है ना वो पछता नहीं है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैंने कम खाया है लेकिन कभी किसी से उधार नहीं लिया। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जितना हो सके 1-1 रुपया बचाइए, अपने भविष्य में काम आएगा। तो चलो फिर करेंगे इस वीडियो का एंड इसी एक बात के साथ में कि जितना हो सके थोड़े थोड़े पैसे बचा करके और अपनी शेविंग रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी के सामने भविष्य में हाथ ना फैलाना पड़े और हमारी कंडीशन अच्छी रहे, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा है उसी की इज्जत होती है। ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में बहुत देखी है, और जितना भी है मैंने अपने खुद से अपनी मेहनत से कमाया है। इस चीज़ का मुझे हमेशा अपने अंदर एक सेटिस्फिकेशन रहता है, किसी का मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, ये भी सेटिस्फिकेशन रहता है। तो चलिए फिर करती हूँ, बाय, टेक केयर, एंड करते हैं इस